आत्मा भागलपुर द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए किसान पाठशाला, प्रत्यक्षण और परिभ्रमण जैसे कार्यक्रमों सहित जैविक खाद के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के तहत यहां किसानों को वर्मी बीज पर 50% अनुदान सहित वर्मी खाद बनाने का प्रशिक्षण और वर्मी वास निकालने की विधि सहित इसके कीटाणु नाशक के रूप में प्रयोग की जानकारी सहित पशुओं के मलमूत्र से कीटनाशक बनाने की विधि भी यहां के कृषकों को सिखाई गई। यहां जैविक सब्जी उत्पादक समूह के सदस्यों को जिले के अंदर, जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण द्वारा समूह के सदस्यों को जैविक सब्जी की खेती की नई तकनीक से रूबरू कराने के लिए कई बार परिभ्रमण पर भेजा गया। परिभ्रमण से सीखे नई तकनीक का आत्मा कर्मियों के सहयोग से आज यहाँ कई किसान सालों भर जैविक सब्जी का सफलतापूर्वक उत्पादन कर अपना मुकाम हासिल कर लिया है। आइए इस जैविक सब्जी उत्पादक समूह के ही कुछ और सदस्यों की राय से आपको रूबरू कराते हैं। सुरेश रजक जी को तो बहुत बदलाव आया है, चूँकि ये अपने ढंग से तकनीकी खेती का सहयोग ले रहे हैं। इससे मैंने फसल को बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है, विभाग के तरफ से तो बहुत अच्छा मिल रहा है सहयोग। यहाँ उच्च तकनीक जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसका यहाँ सीधे प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर गैस हो और मलमूत्र से छिड़काव हो, वो सब यहाँ चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस जैविक सब्जी उत्पादक समूह के अन्य किसान का। यहाँ पे चौपाल प्रशिक्षण जो दिया जाता है, सब मिल के जाते हैं सर, किसान को भी जानकारी दिया जाता है, जिस डेट में भी प्रशिक्षण पड़ता है सर, हम लोग सब वहाँ जाते हैं, किसान को भी प्रशिक्षण दिया जाता है सर, जिला से भी लोग आते हैं, जानकारी देते हैं सर। आत्मा भागलपुर द्वारा कृषक और कृषक समूहों के बीच जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ प्रत्यक्षण और परिभ्रमण जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, बल्कि अनुदानित दर पर उत्तम गुणवत्तापूर्ण बीज सहित इन्हें लगाने की विधि के साथ ही जैविक खाद बनाने की विधि और वर्मी बीज पर अनुदान सहित सब्सिडी दरों पर जैविक खाद और जैविक कीटनाशक भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही जैविक सब्जी प्रोत्साहन योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार यहां के कृषकों को आर्थिक संपन्नता भी प्रदान की है। तो आइए आत्मा के प्रयासों से रनुचक के किसानों के जीवन में आए बदलाव पर स्थानीय किसान सलाहकार मनोज कुमार की राय से आपको रूबरू कराते हैं। यहां पर सरकार के द्वारा अभी जो जैविक ग्राम योजना है वो तो गोसाईदासपुर चुना गया है, लेकिन हम लोग भी अपने यहाँ किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं और जैविक तरीके से खेती करवा रहे हैं। इसमें सुरेश रजक जो कि सब्जी का बहुत पहले से ही खेती कर रहे थे, उसको मैंने बताया सब्जी के बारे में, जैविक खेती करने के बारे में। उनके पास गाय थी और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उनको मैंने प्रेरित किया, वर्मी कंपोस्ट भी उन्होंने बनाया और वे भिंडी का खेती, परवल का खेती और टमाटर का खेती जैविक और गोभी का खेती जैविक तरीके से कर रहे हैं और उनके आय में उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और विभाग के द्वारा, चौपाल के द्वारा और आत्मा के द्वारा समय समय पर हम लोग किसान को प्रशिक्षित भी करते हैं। जैविक तरीके से सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के आत्मा भागलपुर के प्रयास से समूह के किसानों ने सरकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज और खाद और कीटनाशक प्राप्त किया है, बल्कि इसका अपने खेतों में प्रयोग कर उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त कर बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी पाई है।